तो क्वेश्चन नंबर टू में एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, इज पुश्ड अप अ सरफेस इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स से इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को चढ़ाना शुरू कर दिया, ब्लॉक 10 मीटर ऊपर चढ़ गया। ये देखो ब्लॉक 10 मीटर ऊपर चढ़ गया इंक्लाइन प्लेन पे। किस क्या निकालना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन ने कितना काम किया। मुझे सिर्फ ये बताओ जब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगी? ऊपर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180। ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क डन है पर उसने नेगेटिव लगाया नहीं है, चलो मैग्नीट्यूड निकाल दिया कोई बात नहीं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इंक्लाइंड प्लेन में याद करो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये एम जी है, ये 60 डिग्री है, ये एम जी कॉस ऑफ 60 है और यही इसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पुट कर देना नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी इंटू कॉस ऑफ कितना, 60 इंटू 10। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.1। तो म्यू सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है, चेक करो कीज, चेक करो कीज आपके पास है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 5 जूल आ रहा है। वैसे नेगेटिव होना चाहिए था पर चलो सभी में नेगेटिव नहीं लगाया तो आंसर बी ऑप्शन मार्क कर देना। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सही। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो करना है वो ये करना है, इसका आंसर क्या होगा देखो। इन चारों ग्राफ में से आपको देखते हुए ये बताना है किसका वर्क डन ज्यादा है किसका वर्क डन कम है। पहले ये चेक करो ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व में अगर मैं एरिया निकालूं तो मुझे क्या देगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। जिसका एरिया बड़ा होगा उसका वर्क डन ज्यादा। करो स्टार्ट, किसका एरिया बड़ा है वहां से शुरू करो। ऑप्शन नंबर क्या मार्क करेंगे? ना, इसका आंसर सी है ही नहीं। अच्छा W3, मतलब W3, ओके। ए ऑप्शन होना चाहिए। ए या बी में से क्या मार्क करोगे अगर पेपर में आया तो? ए मार्क करोगे। ओके चेक करें, सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 में ये एरिया देख लो, ट्राइंगल के एरियाज हैं। ग्राफ नंबर 2 में एरिया, ये एरिया तो है ही है, साथ में ये एरिया भी ऐड हो गया तो इसका एरिया इससे तो बड़ा ही है तो इसका वर्क डन बड़ा हो गया। फिर अगली फिगर में ये तो है ही है, साथ में ट्राइंगल और जोड़ दिया तो इसका एरिया सबसे बड़ा है। फिर ये तो नेगेटिव एरियाज है, नेगेटिव में तो वर्क डन घट जाएगा, माइनस हो जाएगा एरिया। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? सी का। फिर किसका है? बी का। तो W3 ग्रेटर देन W2, फिर ग्रेटर देन W1 और फिर W4। तो ए ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है एरियाज, कैसे चेक करने हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट तो एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और ये मैं बना देता हूँ ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक है और इसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। एंटर्स अ रफ सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रफ सरफेस है, सच दैट ये सरफेस x इज इक्वल टू 0.5 मीटर से लेके
एक्स इज इक्वल टू 1.5 मीटर तक चलती है। रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू इसमें एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स है, और आपको के की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बने 12x है। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक जब ये बाहर निकलेगी वो कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या हुआ मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन के बाद स्पीड घट जाएगी मानते हो, तो देयर इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसने की, फ्रिक्शन के वर्क डन ने की। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू फोर स्क्वायर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब प्रॉब्लम यह है कि फोर्स वेरिएबल है और वर्क डन बाय इंटीग्रेशन ही निकलेगा, तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा, माइनस 12x dx एफ डी एक्स, और माइनस लगाना क्योंकि वर्क डन में फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, और वैसे भी फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, तो डिफरेंस तो नेगेटिव होगा ही होगा। लिमिट क्या लगानी है, x इज इक्वल टू कितना, 0.5 से लेके 1.5 तक। सॉल्व करें और चेक करें इसके अंदर v की वैल्यू क्या आएगी, मास आपको पता है, ट्राई करें सी ऑप्शन। वर्क डन कैसे निकलेगा फ्रिक्शन का, फिर वेरिएबल फोर्स है, एक कांस्टेंट नहीं है, काइनेमेटिक्स एक कांस्टेंट में काम कर रही थी, अगर कर तो सकते हैं उसमें इंटीग्रेशन ही यूज करनी पड़ेगी, उसमें भी जरूरत क्या है, इतना आसान तरीका बता दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, उल्टा वर्क पर एनर्जी तो काइनेमेटिक्स को आसान कर रही है, और हम वापस कैसे जा सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक है, सही है। नेक्स्ट कितना आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से, ना ना टोटल आपको वी निकालना है ना, मास पुट करो, यू पुट करो, वी निकालो, वी कितना आ रहा है चेक करो, दो मीटर पर सेकंड आना चाहिए इसमें, टू मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए सी, उसे इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट करो और वी की वैल्यू निकालो। ये तो उल्टा एनसीईआरटी के अंदर भी किया था हमने, बुकलेट के अंदर भी वैसा क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है, टू आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, उसे 200 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया, 15 मीटर तक उसने बक्से को धक्का मारा, फिर वो थक गया और फिर उसने फोर्स को कम कर दिया 200 न्यूटन से 100 न्यूटन पे फोर्स को ले आया। तो क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज मूव्ड इज 30 मीटर, तो वर्क डन कितना किया। देखो ये बड़ी लंबी कहानी है, मतलब आप इसको न्यूमेरिकली करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको इसमें ना बक्से का मास भी नहीं गिवन, सॉल्व क्या करेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर लें एक्स वर्सेस एफ का, फोर्स पहले कांस्टेंट लग रही है कितनी 200 न्यूटन, फिर फोर्स कम हो गई कितनी 100 न्यूटन तक फोर्स लगानी शुरू कर दी उसने, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितनी है 30 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15 मीटर ऐसे, और आपको एफएक्स ग्राफ पता लग गया, और उसने ये बोला भी
कि फोर्स लीनियरली रिड्यूस हो रही है, लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस हो रही है। तो आप अगर इसका वर्क डन निकालना चाहते हैं तो इसका क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें, एरिया इसका एरिया निकालें और मार्क करें क्या ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अंडर पूरे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ये पूरे का पूरा एरिया निकालें और देखें जरा क्या आंसर आ रहा है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो करना चाहते हैं वैसे करें, क्या आंसर आ रहा है। एरिया निकाल लें इसका, कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लें इसमें। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, बेस्ट तरीका ना ग्राफी है, क्योंकि इसमें मास गिवन नहीं यार, तुम्हें वेलोसिटी कुछ गिवन नहीं, तुम लगाओगे क्या ये तो बता दो, तुम्हारे लगाने को कुछ है ही नहीं, तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप अगर 100 न्यूटन की फोर्स से अगर सीधा मल्टीप्लाई करोगे बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स लीनियरली डिक्रीज हो रही है, 200 से 100 भी तो हुई, उसकी वेरिएशन कौन लेगा, वो तो ली नहीं आपने, वो ग्राफ नीचे भी तो गिरा एकदम थोड़े ना 100 हो गया, इसलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया और ये प्लेटफॉर्म जी बाई टू एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा। अब वर्क डन किसका निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन का, और कितने समय के लिए नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, टी, तो टी टाइम का वर्क डन निकालना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा पहले नॉर्मल रिएक्शन है क्या ये तो बता दो, हाँ बोलो, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू क्या, कितने लोग बोलते हैं एम जी, ना ना एम जी तो नहीं, क्यों एम जी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, प्लेटफॉर्म एक लिफ्ट की तरह काम कर रहा है और लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जी प्लस ए, राइट, क्लियर है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम इंटू जी प्लस ए की जगह जी बाई टू, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 3mg/2 आ गया, क्या स्टेप क्लियर है। तो पहले लिफ्ट वाला केस यूज करके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लें, अब वर्क डन निकाल लें। अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होने वाली है, ऊपर, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन है तो नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 3mg/2, और एस की वैल्यू निकाल लो 0 + 1/2, ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ g/2 इनटू t2, ये एस की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर लो, g हाफ
इंटू जी बाई टू इंटू टी स्क्वेयर, और ऑप्शन बताओ क्या आ रहा है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैसे निकलेगा? पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन निकलेगा। कोई डाउट इसमें? लगेगा अगर तुम ये जो फॉर्मूला लगता है n इज इक्वल टू n माइनस mg इज ma, वो तब लगता है जब तुम ग्राउंड पे हो। अगर तुम खुद लिफ्ट पे जाके खड़े हो जाओ तो तुम्हें ये मास किस पे नजर आएगा? रेस्ट पे। और अगर रेस्ट पे नजर आएगा तो आप क्या बोलेंगे इसमें? इसका वेट mg है और ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं m into कितना? g by 2। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर लगेगा। यार क्यों नहीं लगेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लगेगा। नेक्स्ट, थर्टीन का, हाँ बी है, बिल्कुल सही। चेन वाली प्रॉब्लम है ये हमारी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक चेन है, याद करो चेन वाली प्रॉब्लम होने की थी सेंटर ऑफ मास से। और चेन कितनी हवा में लटक रही है? 60 सेंटीमीटर, ये लो इतने मीटर चेन हवा में लटक रही है। अब पॉइंट 60 मीटर का मास क्या होगा वो निकाल लें। अगर चेन की लेंथ 2 मीटर है और टोटल मास कितने है? 4 केजी है। तो 2 मीटर 4 kg मास है, 1 मीटर 4 बाई 2 मास है, और 0.60 मीटर कितना मास है? 4 बाई 2 इंटू 0.60, इसका मतलब 1.2 kg मास है। तो मास आ गया। तो इस ये मास कहाँ पर पड़ा होगा? सेंटर ऑफ मास पे। 1.2 kg सेंटर ऑफ मास पे पड़ा होगा, और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस है कितना? 0.60 का आता 0.30। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी इंटू एच की जगह 0.30। बी ऑप्शन मार्क कर लेना। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो चेन वाली प्रॉब्लम भी हमने की थी, कैसे करना है समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल है, वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 मीटर क्या होगी? तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकलता है? एफ डी वाई की इंटीग्रेशन। तो एफ की वैल्यू कितनी है? 5 + 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 2 से लेके 5 तक। प्लीज इसे इंटीग्रेट करो और आंसर बोलो क्या रहे।
132 जूल आ रहा है, बिल्कुल सही पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, 132 जूल ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट है इसमें? ठीक, नेक्स्ट है ये लो, क्वेश्चन है 2% ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों बंदों का सेम है, और एक बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो कितने एंगल पर लगा रहा है, 45 डिग्री पे लगा रहा है डी डिस्टेंस, और एक जो फोर्स लगा रहा है वो कितने एंगल पर लगा रहा है, 60 डिग्री पे लगा रहा है, वर्क डन सेम है, तो एफ ए इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू एफ बी इंटू डी इंटू कॉस ऑफ कितना, 60। इसे प्लीज सॉल्व करो, एफ ए और एफ बी की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, 1/√2, चेक करो 1/√2 और कंपेयर करो इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2, चेक करो 1/√2 आ रही है और कंपेयर करके एक्स की वैल्यू इसमें 2 आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों बंदों का एग्जैक्टली सेम है, बस एंगल का ही फर्क है, तो फोर्स की रेशियो आ गई, फोर्स की रेशियो के बाद आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट है, क्रिकेट बॉल, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को, इसकी स्टेटमेंट बहुत सही नहीं लिखी हुई, शायद जान के कंफ्यूज किया हुआ है मेरे को लगता है। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 0.15 केजी है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो क्रिकेट बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया, और हमने क्रिकेट बॉल को कितना ऊपर फेंका, 0.15 kg की बॉल है और हमने कितना ऊपर फेंका, 20 मीटर ऊपर फेंक दिया, तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी कितनी दी हमने, mgh से आ जाएगा। तो इतना वर्क डन किया ताकि बॉल 20 मीटर ऊपर चली जाए, बात खत्म हो जाती है, राइट। अब क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है ये जो पूरा काम है वो एक मशीन कर रही है, और मशीन क्या लगा रही है, कॉन्स्टेंट फोर्स लगाती जा रही है और बॉल को ऊपर उछालती जा रही है, वो बॉलिंग मशीन नहीं आती, वो बॉल फेंकती जा रही है अलग अलग उसमें, तो ये ऊपर की तरफ बॉल फेंकती जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि जब वो बॉल फेंक रही है तो इतनी फोर्स लग रही है, एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 meters व्हाइल लॉन्चिंग अ बॉल। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किया तो मेरे को ऐसा लगा कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ये,
और एंगल इनके बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90, तो वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो। तो फिर मैंने सोचा अगर जीरो वर्क डन, तो बॉल किसने ऊपर फेंक दी, फिर बॉल खुद ही ऊपर चलेगी, मेरा वर्क डन जीरो और बॉल ऊपर पहुंच गई, ये तो हो नहीं सकता, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। तो लॉजिक तो सही लगा रहा हूं क्योंकि फोर्स तो ऊपर ही लगेगी और वो कह रहा है मूविंग हॉरिजॉन्टली। एक्चुअल में वो ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि ये मशीन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इस तरीके से, कभी इधर मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जो बॉल को ऊपर उछाल रहा है, जैसे एक स्प्रिंग सिस्टम है, वो स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट जैसे पॉइंट, जैसे फोर्स लगती है 0.12 मीटर के लिए, क्योंकि वो कितना मूव करती है, 0.2 मीटर के लिए। तो हम क्या करते हैं, वो जो बॉल है उस पर वो फोर्स लगाता है 0.2 मीटर, तो वर्क डन करती है ये मशीन एफ इंटू 0.2। लेकिन एक बात पक्की है, वर्क डन तभी माना जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही होगी। तो गोली तो ये ऊपर ही चला रहा है लेकिन मूव कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई काम नहीं है इसमें, इसमें गोली ऊपर ही चल रही है, बॉल ऊपर ही जा रही है, तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ऊपर है, तो एफ इंटू 0.12 ऊपर, 0.2 ऊपर लेना पड़ेगा, तो एफ इंटू 0.2 इंटू कॉस 0 दोनों ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। यहां से सॉल्व करके फोर्स निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, तो आप ये पहली बार करें तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, पर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो ही लेना है क्योंकि गन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स भी ऊपर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां से इक्वेट करो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है इसका, 150 आ रहा है, 150। ठीक है, तो यहां से निकाल लेना 150। नेक्स्ट, देखो एक बात तो समझ लो, अगर आपने एक बॉल को एच हाइट से घेरा और वो वापस एच बाई टू हाइट पर वापस आ गई, इसका मतलब कि उसने 50% एनर्जी लूज कर दी है, क्योंकि अगर एच हाइट से जाके वापस एच पे आती तो 100% एनर्जी की 100% एनर्जी उसके पास है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो अगर एच से लेके एच बाई टू पे हो रहा है तो 50% एनर्जी लॉस है, तो आंसर 50% तो पक्का आएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, u इज इक्वल टू जीरो, ग्राउंड को h हाइट पे स्ट्राइक करती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2gh से आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आपका b ऑप्शन मार्क कर लेना। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? तो 50% सीधा आंसर है और यहां से अंडर रूट ऑफ 2gh। नेक्स्ट, वन इज टू वन, हमने एनसीईआरटी में किया था कि वर्क डन कंजर्वेटिव है ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सीधा लेके जा रहे हैं या इंक्लाइन प्लेन से लेके जा रहे हैं लेकिन हाइट दोनों की एग्जैक्टली सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू दोनों में सेम है, तो वन इज टू वन इज द आंसर। राइट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, तो ये आसान क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसका मास आपको इस क्वेश्चन में गिवन है एंड फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड,
और एमर्जेस, तो ये बाहर आती है विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है। तो ये तो आसान है, पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर से, आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, फाइनल निकाल लें हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर से, फिर परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें तो ये लॉस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो पॉइंट क्लियर है, इसको करने का कोई यूज़ नहीं है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल इनिशियल एनर्जी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है। नेक्स्ट है इसका, नहीं m बाई टू है, इसका आंसर m बाई टू है। कैसे? क्योंकि चार पार्टिकल्स हैं, सेम मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम है? एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? पी स्क्वायर बाय 2m। तो p तो क्या है, सबका कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी, मास। अब जिसका मास सबसे कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ए ऑप्शन आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है m बाई टू। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, पार्टिकल है ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, बॉम्ब फट गया तो क्या लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वन वी वन एंड एम टू वी टू। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एम ए, जो एम ए मास है वो मूव करेगा किसके साथ, वी ए के साथ, और जो एम बी मास है वो मूव करेगा वी बी के साथ। इक्वेशन नंबर वन, आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बी की और ए की, तो हाफ इंटू एम बी इंटू वी बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम ए इंटू वी ए स्क्वायर। तो इसके अंदर एक काम करें, यहाँ से वी बी की वैल्यू निकाल लें, क्या एम ए वी ए डिवाइडेड बाय एम बी, और इस वी बी को यहाँ पुट करें, चेक करें क्या आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन आ रहा है बी, ये ऑप्शन आएगा इसका, चेक करना, पर ये इस आंसर ऐसे आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो मास में आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ से काम कर लो, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ से एम बी निकाल लो, यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल लो, एम बी की वैल्यू है एम ए वी ए डिवाइडेड बाय वी बी, तो इसकी जगह यहाँ पुट कर लें, अब चेक कर लें क्या आ रहा है, क्योंकि एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना, एम ए को एम बी को कुछ तो कैंसिल, देखो हिट एंड ट्रायल है, कभी वी बी पुट करके देख लो, कभी एम बी पुट करके देख लो, कुछ तो आंसर बीच में बन ही जाएगा, हिट एंड ट्रायल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, इक्वेशन तो ही है आपकी, तो ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ पुट करके देख के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 kg का ऑब्जेक्ट है, वो इंक्लाइन प्लेन से चला, यहाँ बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। फिर 2 मीटर यहाँ से यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कितनी न्यू पता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला तो कितनी हाइट से चला वो निकाल देते हैं, ये 10 मीटर ये 30, तो क्या आएगा 10 into sin of 30, राइट। तो इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m into g into 10 into sin of 30, काइनेटिक तो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जब ये नीचे उतरेगा इसकी एनर्जी यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, फ्रिक्शन तो है नहीं इंक्लाइन प्लेन में, और कितनी काइनेटिक, जितनी पोटेंशियल उतनी काइनेटिक, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को खराब कर देगी, फ्रिक्शन का वर्क डन खराब करेगा, लॉस कर देगा, और फिर भी जो एनर्जी बचेगी उससे जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा और सारी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एम इंटू जी इंटू 10 into sin of 30 की एनर्जी क्या करेगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, फ्रिक्शन का वर्क डन ये में इसकी खराब हो जाएगी एनर्जी, और बाकी बची हुई एनर्जी से स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस, और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है 5g, क्योंकि जब यहां पर आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी पड़ेगी 5g, सॉल्व करके निकाल लो, एक्स निकालना है, एक्स आ जाएगा, के आपको पता है, निकाल के देख लो आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, जो एनर्जी है जो आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर एनर्जी है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में खराब हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में खराब हो गई, और बची हुई एनर्जी स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो एक्स निकाल लो आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, सही। क्लियर है, आगे आंसर कितना आ रहा है, 2, राइट, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पार्टिकल जिसका मास m है और वेलोसिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अल्फा कांस्टेंट है, टोटल वर्क डन निकालना है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके डिस्प्लेसमेंट डी तक है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट डी है तो वेलोसिटी v2 है, ऐसे ही है। अब मैंने आपको सिखाया वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 into m2 into v2 square, 1/2 into m into v1 square, तो पुट करो, v1 को यहां पुट करो, v2 को यहां पुट करो, ऑप्शन मार्क करो, क्या ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है, चेक करो डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है यहां तक चेक करो, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, डी आ रहा है क्या आंसर, ठीक है डी आंसर आएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, ऐसा हमने किया भी था शायद। तो इसमें एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ये रही 1 मीटर, और जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम, जो कि 1 kg है। स्ट्रक बाय अ बुलेट, तो एक बुलेट आ रही है, बुलेट का मास क्वेश्चन में गिवन है 10^-2 kg गिवन है, और ये इसे हिट करती है और 2×10^2 की स्पीड के साथ आती है, हिट करती है, फिर ये कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और आपको ये बताना है कि इन्होंने कितनी हाइट अटेन की। ऐसा याद है हमने क्वेश्चन किया करते थे हाइट अटेन की, तो पहले हम क्या करते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले कॉमन वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन, कैसे, बुलेट आ रही है, बुलेट का मास स्मॉल एम, बुलेट की वेलोसिटी आपको पता है इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी। सबसे पहले क्या निकलेगी, कॉमन वेलोसिटी, फिर मैंने क्या बताया था, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर काइनेटिक जीरो है, तो नीचे काइनेटिक क्या है, हाफ एम प्लस एम इंटू वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या है, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से ही क्या हो गया, कैंसल, वी सी की वैल्यू को पुट करो और हाइट निकाल लो आंसर, कितनी हाइट आ रही है, सी। मेथड समझ में आ रहा है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी निकलेगी, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, हाइट निकल आएगी। नेक्स्ट,
है अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। आपको थीटा निकालना है, बस कुछ भी ना गिवन और थीटा पूछ रही है। आप कमाल की चीज़ ये देखो, कुछ नहीं नहीं टेन थीटा बीस रुपये आप जी नहीं लगेगा इसमें, फिर सारी टेन थीटा इसमें, बात ही खत्म। और बोल कौन वी है ही नहीं, आर है ही नहीं, कुछ भी तो कुछ देगा तो एंगल निकाल लूँगा, कुछ भी नहीं दे रहा और एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऐसे यूज़ करना है कि सपोज ये आपका एक पेंडुलम है, ये लो सपोज ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की ये आपकी पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी कौन सी पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन है, ये लो। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और लोएस्ट पोजीशन पे जैसी आएगा इसकी वेलोसिटी क्या है, वी, गिवन नहीं है, मैंने ज्यूम कर ली। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, एल, क्लियर है यहाँ तक, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है। आगे अब इसमें सबसे पहले जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो, और इसका हाँ ये गिवन है कि एंगल जो आपको निकालना है ये एंगल कितना है, और ये भी गिवन है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन और लोएस्ट की एक्सेलरेशन सेम है। एक्सट्रीम के ऊपर वेट एम जी हमने किया था, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एम जी कॉस थीटा, कौन सी फोर्स इसको वापस लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा। तो अगर फोर्स जो वापस लेके आ रही है एम जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जी साइन थीटा, एम हटा दोगे तो एक्सेलरेशन नीचे आने की क्या, जी साइन थीटा। तो लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा। ठीक हो गया, लोएस्ट पोजीशन की बात करें, जब ये पेंडुलम मूव कर रहा होगा तो ये पेंडुलम सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे मूव करेगा। सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, वी स्क्वायर बाई एल, तो ये एक्सेलरेशन कहां पर आ गई, एट लोएस्ट पोजीशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, लोएस्ट पोजीशन की एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई एल किसके इक्वल है, जी साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, तो लोएस्ट की सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है और वहां पर तो वो चला ही था, तो जी साइन थीटा से चला था, कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये इक्वेट कर दिया हमने इसमें। अब एक काम करेंगे, हम वी की वैल्यू निकालते हैं, हम v की वैल्यू ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुके हैं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन, अगर याद करो आप, मैंने ऐसे बहुत डायग्राम बनवाए थे सर्कुलर में, और मैंने कहा था जब एक बॉडी की वेलोसिटी पता हो और दूसरी निकालनी हो तो क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम v निकाल लेते हैं, कैसे, ये देखो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये आपके पास ये ग्राउंड मान लेते हैं, ये आपका ग्राउंड है। अगर आपको याद हो ये हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, कितनों को याद है, कितनों को याद है, एल माइनस एल कॉस लिखवाया था ना, कैसे, ये टोटल एल होता है और इस ट्रायंगल में ये एल कॉस थीटा है तो माइनस करके क्या आता है, एल माइनस एल कॉस थीटा। पर मैंने कहा था पेंडुलम के केस में याद ही कर लो, एल माइनस एल कॉस थीटा, ऐसे ही है, कोई डाउट इसमें, सर्कुलर मोशन में ऐसा किया था। अब लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वेट कर देते हैं। काइनेटिक तो यहाँ पर जीरो है, पोटेंशियल यहाँ पर एम जी एच है, एम जी एच है, पोटेंशियल यहाँ पर जीरो है, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है, इक्वेट करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, हाफ एम वी स्क्वायर एम इंटू जी इंटू एच की जगह एल माइनस एल कॉस थीटा, एम से एम क्या हो गया कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी, एल कॉमन आ गया वन माइनस कॉस थीटा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने क्या निकाल लिया, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, कोई डाउट इसमें, वी स्क्वायर आ गया, सही है। हाँ, अब वी स्क्वायर को यहां पुट कर देंगे ना, एल से एल कट जाएगा, करो कंटिन्यू, इस वी स्क्वायर को ऊपर पुट करो, ये कंडीशन तो गिवन ही है क्वेश्चन में, और ऊपर पुट करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है।
ठीक, ये देखो मैं पुट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 2GL1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल इज जी साइन थीटा, इज जी साइन थीटा, एल से एल क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। हाँ चलो, जी से जी भी क्या हो गया, कैंसल। अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास बच गया 2 × 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैथ्स का फॉर्मूला मेडिकल के लोग देख लें, 1 − cos θ, मैथ्स के लोग बोलें 2 sin² θ/2, मैथ्स में करवा दिया होगा, 1 − cos θ इज 2 sin² θ/2, मेडिकल में वैसे आएगा नहीं, ज़्यादा है थोड़ा सा, पर फिर भी 1 − cos θ का ये फॉर्मूला है। और साइन थीटा इज 2 × sin θ/2 × cos θ/2, ये लो, साइन थीटा की जगह 2 × sin θ/2 × cos θ/2। ऐसा क्यों, मेडिकल के लोग देख लें, हमने प्रोजेक्टाइल में एक फॉर्मूला किया था, याद है, साइन 2 θ रेंज में 2 sin θ × cos θ, तो जो ये एंगल होता है वो आधा हो जाता है, तो अगर मैं एंगल को थीटा कर दूं तो फिर ये एंगल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, θ/2 एंड θ/2, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आधे एंगल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया, मैथ्स वालों को पता लग रहा है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या है, tan θ/2, तो 2 × tan θ/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला मैथ्स का है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 − cos θ का 2 sin² θ/2, याद ही करना पड़ेगा ये, ठीक। तो ये वैल्यूज़ हैं, मेडिकल में चांस कम है, लेकिन फिर भी यार इतना तो थोड़ा बहुत चलो चलता ही है, इतना फॉर्मूला याद करने में फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से अब क्या आ गया, यहाँ से tan θ/2 1/2, मैथ्स के लोग जानते हैं, एंगल θ/2 हमने किया भी था वेक्टर में, टैन इनवर्स 1/2, याद है ना, टैन जब राइट साइड पे जाता है टैन इनवर्स हो जाता है, ऐसा हमने काफ़ी बार किया था। और ये जो 2 है ये भी राइट साइड पे चला गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, टैन इनवर्स को नहीं छेड़ना आपने, 1/2, ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ गया थीटा का। थोड़ा ज़्यादा है ये, नॉन मेडिकल वालों के लिए ठीक है, मेडिकल के थोड़ा सा ज़्यादा है ये, आई डाउट मेडिकल का ये आखिरी वाला पार्ट नहीं आएगा, शायद वेलोसिटी तक तो फिर भी आ सकते हैं निकालना, तो मेडिकल वाले वेलोसिटी तक ही सही हैं, ये मैथ्स वाला पार्ट उनको नहीं आना चाहिए वैसे, पर नॉन मेडिकल वालों को तो समझ में आ रहा है यार, इतनी मैथ्स तो उनको आती है, इतना तो मेडिकल है आपका, मेडिकल है, ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है क्या करना है, और मेडिकल वालों को इस पोर्शन से ऊपर समझ में आ गया क्या करना है, बस उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, ये गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी यू आपको गिवन है, एक्स वाई जेड में है, आपको क्या निकालना है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है। आपको याद है एफ इज इक्वल टू माइनस DU/DX, क्योंकि कौन सा कॉम्पोनेंट निकालना है, सिर्फ एक्स, और मैंने कहा था अगर एक्स निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव कर देना इसका, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या किया था, माइनस DY/DX ऑफ यू की जगह क्या पुट करेंगे, 2x²³y³2z, ये लो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पार्शियल के अंदर क्या रूल बताया था, ये सब कांस्टेंट माने जाएंगे, इसको छोड़ दो, इसकी डिफ्रेंशिएशन ये आएगी, और आपको एक्स की वैल्यू क्या गिवन है यहां पर, 1, आप एक्स की जगह यहां 1 पुट करें, आंसर -4, और मैग्नीट्यूड में क्या मार्क करेंगे, 4, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स 4 है। से ये तो क्लियर है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के मास गिवन है,
ये ना नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, तुम गए तुमने इसको वेलोसिटी वी दे दी और इसको भी वेलोसिटी वी दे दी, अब क्या हुआ स्प्रिंग पूरी तरह एक्सपैंड हो गया, जब ये एक्सपैंड हो गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके दोनों की वेलोसिटीज क्या हो गई जीरो और स्प्रिंग क्या हो गया एक्सपैंड हो गया, ये एक्सपेंशन है। तो क्या हुआ आपने जब इसको एनर्जी दी थी या वेलोसिटी दी थी तो आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी, कितनी दी थी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर करंट एनर्जी थी, स्प्रिंग एनर्जी यहां पर क्या थी जीरो थी, जब ये पूरा खिंच गया तो सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में चलेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जीरो। इक्वेट कर लेना आपको एक्स निकाल लेना आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। तो आपने एनर्जी दी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर और इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना आंसर बी बी। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है, कैसे ये क्वेश्चन को करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्लियर है यहां तक, डी आ रहा है क्या, एक मिनट चेक कर देता हूं, पीछे की देखना क्या आ रहा है, हाँ बी आ रहा है इसका, बी आ रहा है, ठीक है आ रहा है ना वी बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक बुलेट है जिसका मास 200 ग्राम है, ये लो मास की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम है, 200 डिवाइडेड बाय 1000 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 90 जूल है, मतलब हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इज 90। सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहां से यू निकाल लोगे, फिर वो बाहर निकलता है 40 जूल के साथ वो बाहर निकलती है ये बुलेट पानी में से निकल के 40 जूल से बाहर निकलती है, तो ये आपकी फाइनल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट करके क्या निकल जाएगा वी निकल जाएगा, तो यहां पर यू आ गया यहां पर वी आ गया राइट। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसके अंदर ये यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा, एक सेकेंड में पहुंचता है, तो एक काम करो आप पहले वी और यू निकाल के वी केस नंबर वन है ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस नहीं
आप यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, यहाँ पे आप एक काम करो, केस नंबर वन में आप पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, क्योंकि टाइम आपको पता है, तो यहाँ से ना ए आएगा और नेगेटिव में आएगा रिटार्डेशन आएगी, v और u की हेल्प से पहले ए आएगा रिटार्डेशन आएगी, ठीक है। रिटार्डेशन आ गई, पर हमने ये निकालना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल क्या हो, एल क्या हो, कि बुलेट किस पे आ जाए कंप्लीटली रेस्ट पे। अब केस नंबर टू बनाना पड़ेगा। केस नंबर टू में वेलोसिटी यू तो सेम रहेगी जो इसकी यू निकाली, पर फाइनल वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, जीरो। एल निकालना है, तब केस नंबर टू में लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू एस, तो ए यहां से पुट यहां करके एल की वैल्यू निकाल लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि दो केस हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे क्लास में प्लैंक वाले, बुलेट घुस गई और प्लैंक में से ये स्विमिंग पूल में से निकाल रहा है, एक ही बात है, क्या ही फर्क है। तो थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की बात है, चीज़ें दिख रही हैं क्लियरली कि कैसे इसको करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, दो केस बनेंगे, पहले से ए निकलेगा और फिर इसमें पुट करके क्या निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस से एल की वैल्यू आ जाएगी आपसे। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली और वो एच हाइट तक ऊपर जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट अ हाइट ऑफ एच बाई थ्री वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रिस्पेक्टिवली। बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, वैसे मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन है कहाँ और करना कैसे है। देखो, सबसे पहले केस नंबर वन बनाते हैं। आपकी जो बॉल है या जो भी बॉडी है उसको आपने एच हाइट तक घेरा, तो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या है, पर मैं इसमें लगा सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, और लगा के जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू इंटू माइनस जी इंटू एच से मैं यू की वैल्यू निकाल लूँगा अंडर रूट ऑफ टू जी एच। तो एटलीस्ट मुझे ये पता लग गया कि ये बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ टू जी एच। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा केस क्या बना, मैं अपनी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, मुझे बात समझ में आ रही है, और मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ विद वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ टू जी एच। मैं फिर शुरू करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि रास्ते में एक हाइट आएगी, कितनी हाइट आएगी, एच बाई थ्री, ठीक। रास्ते में हाइट क्या आएगी, एच बाई थ्री, क्लियर है। तो मेरे को समय निकालना है। अब बॉडी की जर्नी हुई कैसे ये बताओ, बॉडी कैसे जाएगी, बॉडी यहाँ से चलेगी टॉप पे जाएगी, बॉडी फिर ग्राउंड पे वापस गिर जाएगी, तो पूरी जर्नी ग्राउंड से स्टार्ट होकर ग्राउंड पे ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन है कि बताओ रेशियो ऑफ टाइम, कि जब ये बॉडी नीचे से एच बाई थ्री पे आई, तो मान लो नीचे से एच बाई थ्री पे कितने समय में आई,
T1, तो ये टाइम है T1 का, ठीक है। तो H by 3 जाने का टाइम क्या है? T1, ठीक। और फिर ये वापस आई, अब वापस आने में क्या हुआ, ये ऊपर गई, ये ऊपर गई, फिर उसके बाद ये नीचे आई और फिर ये डाउन बिल्कुल नीचे आ गई, जर्नी कंप्लीट हो गई। तो यहां से घूम के वापस आने का टाइम है T2, आपको रेशियो निकाल लिया T1:T2। जबकि क्वेश्चन में ऐसा अपीयर होता है कि आपको टाइम की रेशियो पूछी जा रही है H/3 नीचे से और H/3 ऊपर से, ऐसा लग रहा है कि इसकी रेशियो निकालनी है और ये रेशियो निकालनी है टाइम की ना, जर्नी को कंप्लीट करना है। डाउन का मतलब बिल्कुल जमीन पे आना, तो आपको पूरी जर्नी में यहां का टाइम T1 और बचा हुआ टाइम T2 की रेशियो निकालनी है। तो पॉइंट समझ में आया क्या क्वेश्चन है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, बट लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बता देता हूँ करना क्या है। पहले काम करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं क्या है बॉडी की, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक बराबर कर देता हूँ। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। काइनेटिक क्या है, 1/2 m × √2gh का स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल क्या है, mg × कितना, h/3, और काइनेटिक कितनी है, 1/2 m × v' का स्क्वायर, मान लो यहाँ वेलोसिटी v' है। तो यहाँ से इक्वेट करता हूँ, mg × h/3, 1/2 m × v' का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m × √2gh का होल स्क्वायर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के पहले मैं v' निकाल लेता हूँ, हालांकि काइनेमेटिक से भी निकल सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यूटी प्लस 1/2 80% निकल सकता है, पर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से किया, और एनर्जी कंजर्वेशन से मेरे पास जो आंसर आया वो आया, v' की वैल्यू आई √4gh/3 आएगी, मतलब सॉल्व करके, मतलब कैलकुलेशन करके v' ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बना, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हाइट है, ये हाइट h है, ये जो हाइट है ये कितनी है, h/3 है, मैंने कितनी वेलोसिटी से ऊपर बॉडी को फेंका, √2gh, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, √4/3gh, ये कहानी है, राइट। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, अब ये नई कहानी बन गई, क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या है इसमें, यहाँ तक हम ये तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी भी निकालनी और तो कुछ भी निकाला है इसमें, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, अब बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे करें शुरू। वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी रास्ते की, तभी कोई, आप जरूरी नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकालें, आप काइनेमेटिक से भी निकाल सकते हैं, पर मेरे को लगता है एनर्जी कंजर्वेशन ज़्यादा ईजी है, उसमें काइनेमेटिक का चक्कर ही नहीं है। तो अब मेरे पास क्या क्वेश्चन बन जाता है, मेरे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मेरे को अब समय निकालना है, यहाँ से यहाँ का समय कितना है, T1। अब मैं काइनेमेटिक्स लगा रहा हूँ, इस पोर्शन में v' इज u± g × T1, v' की जगह √4gh/3, u की जगह √2gh − g × T1। तो यहाँ से सॉल्व करके T1 निकाल लेना, और T1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी √2gh − 4/3gh/g, T1 संभाल के रख लो, T1 आ गया। हाँ, मेडिकल वाले टेंशन ना लें, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं आएगी, पक्की बात है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि आपको ये वेलोसिटी 2 m/s 3 m/s तो आ सकती है, लेकिन मेंस वालों को ऐसा आ सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज समझें सिर्फ आप। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को टाइम निकालना है कहाँ का, अब मेरे को ऊपर जाने का टाइम निकालना है क्या होगा, मतलब कि ये वाला टाइम मान लो कितना है, t' है। अब ये फिर से काइनेमेटिक्स, अब मैं क्या करूँगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v = u u + -g × t'। तो यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, t' की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को T1 तो पता लग गया,
अब मेरे को टाइम निकालना है, ये वाला टाइम वापस आने का टाइम, आने और जाने का टाइम हमेशा क्या होता है सेम ना, ऊपर टी डैश तो नीचे भी टी डैश, और ये वाला टाइम और ये वाला टाइम भी क्या होगा टी वन, क्योंकि आने और जाने का टाइम सेम। तो टोटल टाइम क्या बनेगा ग्रीन कलर में जो बनेगा, टोटल टाइम टी टू क्या बनेगा, टी डैश प्लस टी वन। तो टोटल टाइम क्या बनेगा टी डैश प्लस टी वन। अब टी डैश तुम्हें पता है, टी वन तुम्हें पता है, टी टू आ गया, और फाइनली तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है टी वन इज टू टी टू की। केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन और कर लेना इसकी जगह, ठीक है, कर सको तो कर लेना। तो यहाँ से इसकी जो कैलकुलेशन है आप चेक कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन देखने में पता लग ही रही है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैथ वाले करते रहेंगे बैठ के ये कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ करना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, मेडिकल वाले रिलैक्स रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, पक्की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ये तो आता है भाई, ये तो नॉर्मल है, सारे क्वेश्चन थोड़ा है, एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा। नेक्स्ट ये आता है, आपको एक वेरिएबल फोर्स गिवन है, देख रहे हो वेरिएबल कैसे पता लगा, एक्स भी आ रहा है और बीच में वाई भी आ रहा है। आपको वर्क डन निकालना है जब आपकी बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है। आप एक काम करें, आप पहले ना एक्स एक्सिस का वर्क डन निकाल लें। एक्स एक्सिस में वर्क डन क्या होगा, फोर्स एक्स एक्सिस की इंटू डी एक्स, और ऐसी वाई एक्सिस का निकाल लें, वाई एक्सिस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी। अलग अलग निकाल लें, अलग अलग कर लें, आई को अलग कर लें, जे को अलग कर लें, और लिमिट बोलो एक्स की क्या लगेगी, वन से लेके टू तक, और लिमिट वाई की क्या लगेगी, टू से लेके थ्री तक। तो डब्ल्यू वन आ गया, डब्ल्यू टू आ गया, टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो इसे इंटीग्रेट कर लें, एक्स की इंटीग्रेशन अलग है, वाई की अलग है, दोनों वर्क डन को ऐड कर लें, ऐड कर लें और आंसर चेक कर लें, 25 आ रहा है, टेस्टेड है, 25 ही आएगा, चेक कर लें इंटीग्रेशन से। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें आज की बात ये प्रॉब्लम आई कि समझ में आ रहा है कैसे करनी है, एक्स को अलग करना है, वाई को अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर देना है। सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, यू एनर्जी आर की फॉर्म में चेंज हो रही है, आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बताना है। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब नेट फोर्स क्या होती है, जीरो, तो एनर्जी से फोर्स कैसे निकलती है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, यही होती है फोर्स। तो तुम इसके अंदर डी बाय डी आर ऑफ यू की जगह वैल्यू पुट कर देना, आर की पावर 10, बी आर की पावर 5, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगी फोर्स, और नेट फोर्स को क्या कर देना, इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करके अपने आप आ रहा जाएगा, जो भी आ रहा है मार्क कर लेना, वही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो पहले फोर्स निकालो, उसे डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, और ये प्रॉब्लम बुकलेट के अंदर भी और मैंने आपको करवाई भी थी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें, ये भी करवाई थी सर्कुलर में वैसे तो, पर आपको याद नहीं आएगी इतनी। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन है, एक पत्थर को स्ट्रिंग से वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया, एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन एंड हैड अ स्पीड ऑफ यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी, जब वो कहां पर पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल, तो ये चेंज इन वेलोसिटी गिवन है, कंपेयर करके एक्स निकालना है। देखो इजी क्वेश्चन है या देखने में ऐसा है, तो आप इसको, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि सपोज ये आपके पास एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यहां पे इसकी वेलोसिटी गिवन है यू, गिवन है यू, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यहां पे मूव कर रहा था, वेलोसिटी गिवन नहीं है पर वी वेलोसिटी है, रुका नहीं है, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी वी है, और एल मान लो इसकी लेंथ है, आपको क्या गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी।
अब चेंज इन वेलोसिटी तो तब निकलेगी ना जब वी निकलेगा, वी तो पता ही नहीं है, और वी निकालने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है जीरो, काइनेटिक है हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है एम जी एल, और काइनेटिक क्या है यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, जीरो नहीं है ये तो मूव करता जा रहा है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी है, इन्हें इक्वेट कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल हाफ एम यू स्क्वायर, एम 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 कैंसल, वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल इज यू स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू इज यू स्क्वायर बाई टू माइनस जी एल, या वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, ये लो ये वी स्क्वायर की क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको यू गिवन है और वहां से वी आ गया, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, बोलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल गलत है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक u है और एक v है और एंगल इनके बीच में 90 है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करो, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, अंडर रूट ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2v इनटू u और एंगल इनके बीच में कितने है 90, cos 90 क्या है जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर आप निकाल चुके हो, यहां पर वैल्यू को पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और यहां से 2 कॉमन निकाल लो, यू स्क्वायर माइनस 2 जी एल आएगा। अब कंपेयर करो जो पेपर में गिवन है, न्यूमेरिकल में एक्स गिवन है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बुकलेट चेक कर लेना, बुकलेट की प्रॉब्लम है ये, करवाई थी चेंज इन वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में। अब ये प्रॉब्लम है रिटेन करने की, याद ही नहीं रहता बंदे ने जिंदगी में किया था नहीं किया था, याद रह गया तो ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? हाँ ये आ सकती है भाई, ये मेडिकल में भी कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी कोई बड़ी बात ही निकाल ली हमने, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक। आप सर्कुलर मोशन की वीडियो चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ये आंसर है उसका, और बुकलेट के अंदर भी दिखा सकता हूँ सेम आंसर है, ठीक है। ठीक है, और इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्टिकल है, वी पता है, वर्क डन निकालना है, मैंने अभी करवाया भी था, एक बार एक्स की जगह जीरो पुट कर दो वी वन आ गया, एक बार एक्स की जगह फोर पुट कर दो वी टू आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लो, वर्क डन की वैल्यू आ गई, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो कह रहे हैं एक बॉडी को रिलीज किया आपने u इज इक्वल टू जीरो यहाँ से, और वो y नॉट नीचे आ गई, यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है इसकी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे को वी स्क्वायर चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाओ वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू इंटू जी इंटू वाई नॉट, इस वी स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो, ऑप्शन मार्क कर दो, आंसर आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे, और वेलोसिटी निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है, एक बॉडी है जिसका मास m है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ h, तो h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो उसके पास एनर्जी थी कितनी mgh। अब कायदे से क्या क्वेश्चन है, वो ग्राउंड पे आई, और ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 0.8 इंटू अंडर रूट ऑफ gh, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि पोटेंशियल सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में, पर हुई नहीं। अगर आप यहाँ काइनेटिक निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, निकाल लेना। अब अगर एयर की फ्रिक्शन ना होती तो ये बराबर होते, एयर की फ्रिक्शन है तो लॉस किसने किया, एयर की फ्रिक्शन ने, तो कैसे करेंगे, इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दें, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर है। इसमें तो पेन को भी हाथ नहीं लगाना, कैसे, क्यों, एयर की फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स है और रेजिस्टिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, आंसर ही है, करना ही नहीं है आंसर, सॉल्व क्यों कर रहा हूं मैं इसे, तो आंसर ही ए बनता है और कुछ बनता ही नहीं है भाई, फ्रिक्शनल की फोर्स है, एयर की फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करेगी, आंसर
सॉल्व क्यों करना, आंसर नेगेटिव है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, एक पॉटर लिफ्ट अ हैवी सूटकेस, तो एक कुली है वो एक सूटकेस उठा रहा है और वो फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर, लेकिन वो इसको लोअर कर रहा है डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये लो एस पता है, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें नेगेटिव आएगी। कोई कहता है जी उसको लोअर करने के लिए फोर्स नीचे नहीं लगाएंगे, मेरे को कोई बोलता, सोच आ रहा है माइंड में आ रहा है, ठीक है, तुम थैला पकड़ते हो तो थैला कैसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो कि ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो ना, थैले को तो ऐसे ही पकड़ा, तो फोर्स तो ऊपर ही लगेगी, तुम थैला नीचे करो या थैला ऊपर करो, फोर्स तो ऊपर ही लगेगी, अब तुम थैले को नीचे कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, आंसर नेगेटिव में आएगा, वर्क डन, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो वो पॉटर नीचे कर रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180, और फोर्स की वैल्यू इसका वेट है, तो आंसर नेगेटिव में पुट करना, माइनस एम इंटू जी इंटू एस, आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें, आंसर नेगेटिव क्यों आएगा।